गौर जामन में पिछले दिनों सराफा व्यापारी से हुई लूट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसकी वजह है पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई ना किए जाना। गौर झामर के व्यापारियों ने एक घंटा तक अपने दुकान बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। घटना 12 दिसंबर की है, जब ज्वेलर्स संचालक अपने बेटे के साथ सुबह के समय दुकान खोलने आए तो दुकान का ताला खोलते समय दुकानदार का थैला लुटेरे उठाकर भाग गए। पुलिस को इसकी सूचना देने के साथ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि टीम जांच के लिए भेजी गई है, जल्दी अपराधियों को पकड़ा जाएगा। तो मैं आया, आवेदन दिया, बोले कार्रवाई करेंगे, आप जाइए। आज उस दिन से ना कोई कार्रवाई न पावती दी। अरे अब ऐसे आवेदन हम अभी थाने में देख लेते हैं, ऐसे कोई आवेदन होंगे जो आवेदन पड़े होंगे जिन पे कार्रवाई नहीं होगी, तो कुछ जब भी अगर उसमें अपराध बन रहा होगा तो अपराध रजिस्टर्ड होगा और अदरवाइज शिकायत संबंधी जैसे जांच होगी तो वो कार्रवाई करवाई जाएगी। स्तर पे आसपास में सभी जगह सीसीटीवी में जो एक लड़का आइडेंटिफाई हो रहा है दिखाया है, तो आसपास यहीं ऐसी जानकारी मिली है कि ये मतलब प्रॉपर गौर झामर लोकल से वो लड़का नहीं है। बाकी हम और जगह भी उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके फोटोज़ को हम और जगह आसपास पूरे सब डिवीज़न में रहली आसपास में सब जगह सागर में भी सर्कुलेट करेंगे, ताकि कहीं से भी लड़का अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका प्रयास करेंगे। गौर झामर से प्रहलाद साहू, सागर टीवी न्यूज़।